स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी इम्प्रेशन आर्ट के बारे में। इम्प्रेशन आर्ट करने के लिए आपको चाहिए एक पेस्ट बॉल पेन एंड कलर्स। मैं यहाँ पे ऑयल पेस्टल कलर यूज कर रही हूँ, आप कोई भी क्रोइंस कलर्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वेस्ट बॉल पेन की हेल्प से यहाँ पे एक अपना इमेजिनरी लाइन्स बनाऊंगी, यानी इमेजिनरी डिजाइन ड्रॉ करूंगी। जो कि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, आप अपना कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, बॉल पेन से उसको ड्रॉ करना है इमेजिनरी। मैं फिर आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपको लाइंस नहीं दिखेंगी, बट आप जो भी ड्रॉ करोगे वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हो। जैसे मुझे पता है कि मैं यहाँ क्या ड्रॉ कर रही हूँ। अभी आपको लाइंस नहीं दिख रही होंगी, आप किसी भी तरह के ड्राइंग को डिजाइन दे सकते हैं। मैंने अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कलर्स लेने हैं। आप चाहे तो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग्स भी कलर्स कर सकते हैं, और चाहो तो आप जैसे मर्जी कलर्स कर सकते हैं। अब आपको अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग कलर्स करने हैं और प्रॉपर तरीके से कलर्स करने हैं, अच्छी तरह से उसको फिल करना है। जैसे जैसे आप उनको फिल करेंगे, आपको अपनी डिज़ाइन या अपनी जो भी आपने ड्राइंग बनाई है वो आपको धीरे धीरे से आपको वो दिखाई देने लगेगी। आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि अब मेरे कलर करने के साथ साथ अब मेरी ड्राइंग का इम्प्रेशन भी आपके पास ऊपर आने लग गया है।
आपको कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डार्क कलर्स चूज करें अपनी कलरिंग में। आप अगर मिक्स कलर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ताकि आपको इम्प्रेशन अच्छे से नज़र आए। आप जितना डार्क करेंगे कलर्स को आपके डिज़ाइन का इम्प्रेशन उतना ही आपको क्लियरली नज़र आएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल आर्ट। ये डार्क कर लेंगे तो डार्क करने के बाद आपने जो भी ड्राइंग की है वो आपकी बाहर आ जाएगी, और इस तरीके से आपकी इम्प्रेशन आर्ट एक्टिविटी आपको मिल जाएगी। नाउ इम्प्रेशन आर्ट एक्टिविटी इज फिनिश्ड। अब इसको अगर आप चाहें, अगर आपने कोई टेप यूज़ की है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं बहुत आराम से, बहुत लाइटली, सो दैट कि आपको ये प्रॉपर एक अच्छी अच्छी टेप मिले और ये आपकी इम्प्रेशन आर्ट, दिस इज योर इम्प्रेशन आर्ट एक्टिविटी।